उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सानिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मंडलीय समीक्षा बैठक अरविंद चौहान की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में योजना के तहत निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक के पंजीयन हेतु पात्र लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पंजीयन प्रक्रिया जन सुविधा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एवं कार्यालय के माध्यम से किया जा सकेगा। बार मंडल से बार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड विद्युत से भी हम सिटको से यो और आज जो हम आपके कर्मकार कल्याण बोर्ड की मीटिंग में थे यहाँ पे और आप सबका उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और सब जो जाना है कहीं वर्तमान में यूसी बोर्ड है उसका सीईओ एंड सेक्रेटरी हूँ और काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस है इस बोर्ड पे क्योंकि इसमें पैसा बहुत ही बड़ा हुआ है। इसकी काफ़ी फ्लैक्सी है इसकी, लेकिन जो लोगों में इसका अवेयरनेस की बहुत कमी है एंड स्कीम के अंदर जो लोग बेनिफिट होते हैं उनकी संख्या ही बहुत कम है और ये हमारे शिडूल साहब आप जानते ही हैं। बोर्ड में 1,64,603 संशोधित निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराया है सर। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ देता हूँ आइडिया की बेसिकली क्या है परपज। 1% लेबर सेस देते हैं आइडिया है इसका, लेकिन उस 1% लेबर सेस का जो यूटिलाइजेशन जिस तरह का होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारा फंड अवेलेबल है और जो आपके लेबर जो कार्य करते हैं उनके वेलफेयर को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था तो मुझे ही पता नहीं था कि इतनी स्कीम्स गर्म भाग के चलती हैं और मुझे ही नहीं, मैंने कई और लोगों से बात की, चर्चा किया, इवन तो जो अधिकारी महोदय हैं चाहे कमिश्नर साहब महोदय लोग हैं उनको पता नहीं है कि इतनी स्कीम चलती हैं। तो हो सकता है कि क्या है क्या नहीं है उसमें नहीं जाएंगे, तो सीधे हम एक पॉइंट पर आएंगे भले कि बेसिकली तीन चीज़ें हैं इसमें कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा, तीन चीज़ों पर हमें बात करने आया है। तो सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी कौन है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन इस पर एलिजिबल है। तो आपको एक गूगल सबको मिले क्या तो आप देखे होंगे कि इसमें 40 क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला इसमें जो नाम रखा गया है बिल्डिंग का कार्य, जो व्यक्ति बिल्डिंग का कार्य करता है वो हमारे बोर्ड का मेम्बर होने का है। छप्पर डालने के काम गांव में जो पूर्वांचल बेल्ट है काफ़ी छप्पर पर भी पड़ता है, तो जो लोग छप्पर डालने के काम भी करते हैं वो लोग भी इसकी पात्रता के श्रेणी में आ जाते हैं। जो राजमिस्त्री हमारे हैं वो लोग भी हैं, प्लम्बिंग का काम, मोजेक पॉलिश जो होता है घरों में लगता है चाहे बिल्डिंग्स में लगता है, मोजेक पॉलिश जो धंधा करता है वो भी इसके लिए पात्र है। जितने लोग रोड बनाने में लगे हैं वो भी पात्र हैं इसके। मिक्सर जो चलाने काम करता है वो भी पात्र है, मिक्सर मतलब जो रोड वगैरह में होता है चाहे बिल्डिंग्स में होती है मिक्सिंग होती है। जो लोग खुदाई का कार्य करते हैं वो भी पात्र हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करता है वो भी पात्र है, जो हवा से चलाता है वो पात्र है, सुनम निर्माण जो करता है वो भी पात्र है, टायर्स का कार्य जो करता है वो भी पात्र है, कुएं से जो कलछ कटाने का कार्य करता है वो भी पात्र है, चट्टान तोड़ने का कार्य करता है वो भी पात्र है, जो ये आपके सड़क निर्माण से संबंधित जो स्प्रे वर्क होता है या मिक्सिंग होती है वो भी स्प्रे करते सड़क से करते वो लोग भी पात्र हैं इसके लिए, मार्बल एवं स्टोन का कार्य करने वाले पात्र हैं, चौकीदार मतलब कि जो भी आपके कार्य होते हैं जैसे कि यदि बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप वहाँ पे पूरा आपका स्टेबलिशमेंट होता है वहाँ पे चौकीदार होते हैं, क्लर्क होते हैं, काउंटर सब लोग होते हैं, तो सारा लोग इसके पात्र हैं, सबकी एलिजिबिलिटी होती है इसमें। सभी प्रकार के पत्थर तोड़ने हो किसने कार्य निर्माण स्तर पर लीक की हुआ लेखा कार्य करने वाले कर्मकार, यदि आपका कोई साइट है वहाँ पे क्लर्क भी होंगे, कोई अकाउंटेंट है तो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी उसकी भी इसमें हो जाती है।
सीमेंट कंक्रीट ईट ढोने का कार्य करने वाले जैसे कि ये आज एक भट्टे भी पात्र है। बांध पुल सड़क निर्माण या भवन निर्माण से संबंधित कोई भी संक्रिया होती है, इन सब में कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए जो लेबर काम कर रहा है उसे पात्रता रखता है। उसे फ्लड मैनेजमेंट का है, बाढ़ प्रबंधन में जो लोग लगे हैं वो भी इसके लिए पात्र होते हैं। ठंडा व गर्म मशीनरी का स्थापना और मरम्मत वो भी इसके लिए पात्र है। जो अग्निशमन प्रणाली की स्थापना मरम्मत वो लोग इसके पात्र है। बड़ी मशीनरी कोई बन रही है चाहे पुल का निर्माण हो रहा है वो भी पात्र है, वो भी इसके लिए पात्र है। खिड़की ग्रिल दरवाजे आदि की कढ़ाई व स्थापना का कार्य, मॉडर्न किचन के आज भी काम चलता है वो लोग भी इसके पात्र है। समुदाय डील करता है तो निर्माण कार्य वालों से डील करता है। तो ये 40 एरिया है तो कोई भी ऐसा सर्विस नहीं होगा जो इससे बचता हो, जो भी इसने इतने ब्रॉड कवर किया है कि कोई भी ऐसा सर्विस नहीं जो कि बच जाए इससे, इसकी पात्रता इस श्रेणी में ना आए। सबसे बड़ी स्कीम हमारी जो चलती है ग्राम विकास की मनरेगा स्कीम है, सबको पता होगा उसके सारे बेनिफिशियरी जिन्होंने पिछले 365 दिन में 90 दिन का कार्य किया हो वो पात्रता रखते हैं। ये जो भी लोग हैं इसकी बेसिक क्राइटेरिया ये है कि पिछले 365 दिन में ये संबंधित कार्य में 90 दिन तक एंगेज रहे हों। तो मेरे ख्याल से जो एरिया कवर करते हैं हमारा बोर्ड द्वारा कवर करता है तो काफी ब्रॉड है, आज सबको एक आइडिया हो गया होगा है ना। तो जो कार्य संस्था हमारी है तो इसलिए आपको बताने का थोड़ा सा और है कि जो भी टेंडर ठेके होती हैं जो ठेकेदार होते हैं आपके लगते हैं और इसमें लेबर काम करते हैं, तो ये अपने ठेकेदार के माध्यम से आप इसको करिएगा जो भी लेबर उसमें है उसका प्रॉपर साइट पर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो किसी भी स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, अभी हम ऑनलाइन भी होगा तो उसका शो कर देंगे। इसमें बेसिकली चार चीजें चाहिए, एक तो जो पर्सन है 40 क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता हो, दूसरा है कि उसके पास आधार कार्ड हो, तीसरा है उसके पास अपना बैंक अकाउंट हो, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए। और पहले इसमें यह था कि जिसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था तो उसको एक एंगेजमेंट सर्टिफिकेट खोजना पड़ता था कि कोई हमको दे दे कि हम जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। हम लोगों ने क्या किया उस क्राइटेरिया को खत्म कर दिया तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, खुद वो घोषित करता है कि मैंने 90 दिन से 365 दिन में कार्य किया है, इस बेसिस पे हम उसको रजिस्टर कर देते हैं। लेकिन जब उसको बेनिफिट मिलता है उस टाइम हम उसकी जांच करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई भी जांच नहीं होती है। वो लोग ऑथराइज है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो लोग ऑथराइज है। अभी क्या था 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन फ्री था, लेकिन 30 तारीख के बाद से अभी 20 रुपए से लगते हैं उसको एंड 15 रुपए देना पड़ता चार्ज में, उसको कार्ड बन गए हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि बताओ भाई देख पाओ आइडिया कैसे होता है।